आप जो जुताई कर रहे हैं उसका क्या फायदा होता है? जैसे आप तो हमेशा नांगर से जुताई करते आए हैं, है ना? और आजकल लोग ट्रैक्टर से भी जुताई करते हैं, तो नांगर से जुताई करने का और ट्रैक्टर से जुताई करने में कोई अंतर आपको लगा हो तो आप बताइए। हाँ, जैसे क्या क्या अंतर है? वो है धीरे धीरे तो जोताते हैं और फिर भी इसमें फसल क्या नांगर से है बढ़िया पूरे पूरे बढ़िया कम जोता थी बढ़िया जोता थी और में हिद्दा हिद्दा हो जाती। हाँ हाँ हाँ, इसमें जोताई अच्छी होती है नांगर से, है ना? नांगर से बन जोती है और बन लगती भाई नांगर से। हाँ, मतलब घर बन रहा है ट्रैक्टर से सही लगती नांगर। हाँ, तो इसमें अच्छी जुताई होती है, मतलब अच्छी का मतलब हम क्या माने कि आसानी से मिट्टी निकल जाता है, मिट्टी को दबाव नहीं पड़ता, मिट्टी कड़ा नहीं होता, है ना? है ना, और नरम रहता है, तो उससे मिट्टी की जुताई बहुत अच्छी होती है। और जब आप जुताई करते हैं तो जो जीवाणु है मिट्टी में, है ना, उनको भी आपस में मिश्रित हो जाते हैं वो, और जो हमारा जो जितना ये कचरा है ना, नरई आदि और पत्ते आदि घास है ना, ये सब मिट्टी में मिल जाता है, है ना, तो ये खाद बनता है। और जबकि ट्रैक्टर में क्या होता है, ट्रैक्टर में दबता है मिट्टी सबसे पहला, क्योंकि ट्रैक्टर भारी उपकरण है, जबकि 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 बैल तो बिल्कुल भी भारी नहीं है, है ना, तो इससे हमारा मिट्टी नरम होता है, है ना? देखो आपका मिट्टी बहुत अच्छा है, बहुत नमी है अभी मिट्टी में। और इसमें क्या अभी पानी पलाए हो क्या? अभी पानी नहीं पलाए हो, तो ये वही नमी है जो धान के पानी की है, और धान का पानी बहुत दिन पहले ही बंद कर दिया गया। देखने में आ रहा है कि मिट्टी अभी भी बहुत नमी बनी हुई है। और ये जो पुआल आदि हैं, ये आपस में मिल जाएंगे इस तरीके से, और ये आपस में इस तरीके से, और ये सड़ेगा, और सड़ के ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन बनाएगा। मिट्टी में लेयर देख पा रहे हैं कि हम बहुत सारा घास है और बहुत सारे पेड़ के पत्ते, जो हमारे आसपास के पेड़ हैं उनके बहुत अधिक पत्ते जमीन में रहते हैं इस तरीके से। और ये जब पत्ते मिट्टी में पूरे मिल जाएंगे तो ये बहुत अच्छा खाद बनता है, और यही कारण है हमारे सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन बहुत अधिक है, और यही कारण है कि जंगली क्षेत्रों की कृषि अच्छी होती है, जहां उत्पाद में गुणवत्ता बहुत अच्छी आती है। अगर एरोमेटिक राइस है, स्पेशली हमारे यहाँ एरोमेटिक राइस हम लगाते हैं, तो उसमें जो एरोमा आता है वो इसी अधिक ऑर्गेनिक कार्बन की वजह से आता है, मिट्टी की इसी उपजाऊ क्षमता की वजह से आता है। और इसके अलावा हम जो कृषि पद्धति अपना रहे हैं, तो उसमें मिट्टी मिट्टी को दिन प्रतिदिन हम कैसे अच्छा बनाते हैं उस पर कार्य करते हैं, ना कि हम फसल की चिंता करते हैं कि फसल अच्छा आएगा, उसमें बीमारी होगी या नहीं, क्योंकि हमें ज्ञात है, बहुत भली भांति ज्ञात है कि हमारी देसी बीजों में वो क्षमता है कि वो विकट से विकट परिस्थितियों में भी उपज दें, और उन्हें वायरस आदि रोग आदि से दूर रहते हैं वो, हमारी देसी बीजों में ये क्षमता होती है। और जबकि इसके बजाय इसके विपरीत हाइब्रिड सीड्स में बहुत ही हाइब्रिड सीड बहुत नाजुक होते हैं, और उनमें चूँकि हम बिना रसायन के उसका उपज अधिक प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए हाइब्रिड बीज इसमें अच्छा काम नहीं करते। और यहीं पे देसी बीज, चाहे वो धान के हों, चाहे किसी अन्य दलहन फसल या तिलहन फसल के हों, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, बहुत अच्छा उपज देती हैं। तो सत्य हमारे सामने है, और अभी भी हम अच्छी कृषि पद्धति हमारे गांवों में बहुत सारे देश के भाग में अभी भी अपनाई जाती है, और उसी परंपरागत ज्ञान को पुनः जागृत कर, पुनः उसका नवीनीकरण कर, उसका आधुनिकीकरण कर, उसका सरलीकरण करते हुए
हमें कृषक को मार्गदर्शन देना ही होगा, और यही हम सब के हित में है, यही देश के हित में है, और यही मानव जाति के हित में है।